अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जो शिक्षाविद हैं, सामाजिक चिंतक हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, राजेश्वर शर्मा जी से। राजेश्वर शर्मा जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का अभिनंदन कि मुझे आपने एक अवसर दिया अपने विचार रखने के लिए। दोस्तों, आज हम आपसे बातचीत करेंगे राजेश्वर शर्मा जी के साथ पवित्र बंधन विवाह के बारे में। तो राजेश्वर शर्मा जी, भारतीय परंपरा के अनुसार पवित्र बंधन विवाह के संबंध में प्रकाश डालें। देखो, हमारी जो हिंदू मान्यता है और सभ्यता है जी, इसमें विवाह सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा सामाजिक बंधन है, एक आत्मिक बंधन है जिससे कि समाज की संरचना उस पे जो है उसको सही एक दिशा देने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा बंधन है और इसी से समाज जो है आगे बढ़ रहा है जी। और हम समाज में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। प्रजनन के लिए भी ज़रूरी है कि ईश्वर ने तो स्त्री और पुरुष बनाए हैं, लेकिन किसी भी व्यवस्था के अंदर एक ऐसा सामाजिक बंधन हो जिससे सारी सामाजिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, वो विवाह का ही बंधन है और ये बहुत पवित्र बंधन है और एक आवश्यक बंधन है। शर्मा जी, आज के परिवेश में देखा जा रहा है कि विवाह एक पवित्र बंधन ना होकर एक समझौता बनता जा रहा है, इस पर भी हमें कुछ सुझाएं। देखिए, विवाह एक दो आत्माओं के बीच का एक मिलन है, उसके अंदर जो है हम जब देखते हैं तो, लेकिन आज जो है स्थिति आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज क्या हो रहा है कि जब हम कोई रिश्ता करने जाते हैं, हमने भी बच्चों की शादियां करी हैं और कुछ में सीधे रहे इन्वॉल्व रहे हैं जी। होना ये चाहिए कि जब हम लड़का या लड़की देखते हैं या परिवार से परिवार को देखते हैं तो हमारी आत्मा के अंदर एक हिलोरे मारने चाहिए कि ये बच्चा, ये वर या वधु हमारे लिए बना है जी। तो ये हमारी भारतीय परंपरा सदा से रही थी और उसके अंदर सब चीज़ों का परिवेश होता था, लेकिन अब ये बिल्कुल सही है कि आज के समय में क्या हो रहा है कि हम ये देखते हैं लड़के की सैलरी कितनी है और कितना पढ़ा लिखा है या उसका प्रतिष्ठा सामाजिक परिवार की क्या प्रतिष्ठा है और उसकी आयु भी आजकल जो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इन सब चीज़ों में हम इस अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए कई बार समझौते की जैसी स्थिति में मान लेते हैं कि चलो इसके अंदर चार तो ये गुण हैं, एक थोड़ी सी अवगुण समझ लो या नई चीज़ है, तो वो हम एक किस्म से परिवार, वो हमारा आत्मिक संबंध ना होके वो समझौता है। और जब हम दो परिवारों में या दो व्यक्तियों में समझौता करके चलेंगे तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आने की संभावना कम है। शादी शादी है, एक नैसर्गिक और आत्मिक बंधन है, उसको वहीं तक रहना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि लड़का का पैकेज बहुत बढ़िया है, लड़का विदेश में पढ़ रहा है, या लड़के के माँ बाप तो बहुत ज़्यादा बड़े उद्योगपति हैं लेकिन लड़के के अंदर थोड़े गुण कम होते हैं, तब भी हम सोचते हैं चलो। ये जहाँ से हमारे मन में अगर 100 में से एक नंबर भी कम आता है तो वो समझौता है, और समझौता तो समझौता ही होता है, उसमें आत्मीयता की उतनी ही कमी आ जाती है। तो हमें संबंधों को सिर्फ एक आत्मा की दृष्टि से देखना चाहिए कि जिससे भी हमारा बंधन बन रहा है, लड़के का लड़की से, वर का वधू से और परिवार का परिवार से, पूरी तरह जैसे हम दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, इस तरह उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शर्मा जी। एक और आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, हिंदू विवाह पद्धति के अनुसार हिंदुओं में जो विवाह होते हैं कुछ विशेष तिथियों पर ही क्यों किए जाते हैं? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। वास्तविकता ये है कि हमारी जो ये शादी की जो परंपराएं हैं ये बड़ी पुरानी हैं जी, 5-7 हज़ार सालों से भी पुरानी है जो सबको सबके सामने है जी। तो जिस टाइम ये परिस्थितियां क्या थी, पहले जो शादियां होती थी और जो तिथियां ये जो निकाली गई जिनको आप बता रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या था कि पहले हमारा देश कृषि पर आधारित था जी, और आवागमन के साधन बड़े कम थे और इस तरह की स्थितियों में हमारे पास सिर्फ जो है ये देख के शादियां कर, एक ऋतु मौसम के आधार पे जी। तो इन तीनों में हमने ये देखा कि जब फसल कटने का टाइम होता था, जब फसल बोने का टाइम होता था, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी
बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी या बहुत ज़्यादा बरसात होती थी, और जब अमावस्या के दिन से आगे या पीछे तो कुछ मिला के ये सारे दिन निकाल दिए जाते थे। और उस समय की जो भौगोलिक स्थिति थी, जितना ज्ञान उस समय था उसके हिसाब से कुछ तिथियां ऐसी निकाली गई थी कि जिनमें मौसम सही रहेगा, जिसमें प्रकाश जो है चंद्रमा का प्रकाश मिलेगा, जिसके अंदर आवागमन के लिए आने जाने का समय मिलेगा। तो उन कुछ तिथियों को हमने निकाल के साये का नाम दे दिया था कि ये तिथियाँ शुभ होंगी। लेकिन प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है, इन 5000 सालों में बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन हुआ है, बिल्कुल समाज में भी परिवर्तन हुआ है, तो अब वो परिस्थितियाँ पूरी तरह बदल चुकी हैं। तो इसलिए जो उस तरह की समय की जो परंपरा थी वो बहुत अच्छी थी और उसके अनुसार उन्होंने वो कुछ परिस्थितियाँ निकाली थी। जैसा कि आप देखोगे कि बरसात के दिनों में शादियाँ नहीं होंगी, होली से पहले शादियाँ नहीं होंगी, हुदड़ंग होने का डर रहता है। इसी तरह जो है बड़े बड़े त्योहारों से जब फसल कटती है तब नहीं होती, क्योंकि फसल कटने के बाद जब अपना एक संपन्नता आ जाती थी, कुछ पैसा आ जाता था, तो शादियों के लिए वो एक मुख्य कारण हमारा जीवन शैली जो कृषि पर आधारित थी और भौगोलिक स्थिति ही मेन कारण होता था। और ये जो मौसम होते थे उनसे बचते हुए हमने देखा कि ये दिन हमारे बच्चे हुए सेफ हैं, तो उनमें शादी के लिए उनको प्रस्तावित किया गया था। शर्मा जी, जो विशेष हमारी 5 या 6 तिथियां होती हैं उन पर विवाह करने से एक और अड़चन आती है कि इसी दिन हमारे जो बैंड बाजे हैं या घोड़ी बग्घी है या हलवाई है या टेंट हाउस है, इनकी एक लिमिटेशन होती है समाज में और वो सभी को पर्याप्त सुविधा नहीं दे पाते और जो हमारे विवाह आयोजक हैं उनको परेशानी होती है या वो महंगे पड़ते हैं, इस पर भी प्रकाश डालिए। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो ये हमारी पुरानी तिथि वाली जो परंपरा थी जी, उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह गया जी। उसका एक कारण ये है कि जब पहले आवागमन के साधन नहीं थे, अब बहुत अच्छे आवागमन के साधन हैं। पहले हो सकता है रहने के लिए या स्वागत करने के लिए आज की तारीख में हमारे पास बैंकट हॉल हैं, आज की तारीख में हमें कोई चिट्ठी डालनी है किसी को तो इमीडिएटली व्हाट्सएप पे, दूसरे ग्रुपों पे या पोस्ट ऑफिस से डाल सकते हैं। तो ये परंपरा को हमारे समाज को देखना चाहिए कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं कि इससे क्या है कि जिस दिन जो शादी के साये वाले दिन देते हैं तो उसमें खर्चा और इतना ज़्यादा होता है कि आपने देखा होगा दिल्ली में ही कई बार हम देखते हैं एक दिन में 10,000 शादियाँ, 15,000 शादियाँ, और उस दिन सड़कों पे जाम लग जाते हैं, बराते रात को 11 बजे 12 बजे पहुँच रही होती हैं। तो इसमें ज़रूर समाज को और समाज के जो हमारे प्रतिष्ठित दिशा निर्देशक हैं उनको देखना चाहिए कि साया सिस्टम आज के परिप्रेक्ष्य में उतना उचित नहीं है और हमें ये देख के शादियों में देखना चाहिए कि इसकी वजह से जो हमारे पैसे का भी बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, वही जो एक घोड़ा बग्घी या बैंकट हॉल उससे बहुत कम पैसे पे अवेलेबल हो सकते हैं। और इवन इससे बड़ी बात, आजकल तो हालत ये है कि जिस दिन शादी है उस दिन हमारे पे 4 शादी के कार्ड आ जाते हैं, हमें घर के मेहमान भी आपस में बदलने पड़ते हैं कि बेटे तू वहाँ चला जा, घर के मेंबरों को बांटा जाता है, मेंबरों को भी बांटा जाता है। तो इससे वो जो शादी का एक स्वरूप है उत्सव के रूप में नहीं, उत्सव के रूप ना मिलकर एक औपचारिकता के रूप में ही रह जाता है कि तुम वहाँ चले जाओ। शर्मा जी, एक इसी इन्हीं जवाबों में एक सवाल और बना है कि जो हमारी भारतीय हिंदू विवाह पद्धति की जो विशेष तिथियों के अलावा अगर विवाह किए जाते हैं तो क्या वो सफल और संपन्न विवाह साबित होंगे? हाँ बिल्कुल, ये भी एक बड़ा अच्छा और सही प्रश्न है कि शादियाँ रोजाना कोर्ट में भी हो रही हैं जी, हमारे बहुत से ऐसे समुदाय हैं, वर्ग हैं जो शादियां एक विशेष दिन ही करते हैं, मतलब वो कभी ऐसा कोई नहीं निकालते। तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के परिप्रेक्ष्य में मैंने मेरे जीवन में कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जो शुभ तारीख तो बता सकता है, लेकिन ये लिख के तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इस तारीख में शादी करोगे तो बरसात नहीं आएगी या व्यवधान नहीं पड़ेगा या दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सफल रहेगा, ऐसी कोई भी कितना भी विद्वान हो ये इस तरह की स्थिति में नहीं है। ये तो सिर्फ संभावना है, वो उन्होंने जो पिछली हमने अभी बात करी थी उन्हीं पद्धतियों में से एक दिन दे दिया जाता है और बाकी तो बिल्कुल सफल होंगी। और ये तो आज की ज़रूरत भी है कि शादियां सुविधा के हिसाब से हों जिसमें हमारे सभी निकट संबंधी आ सकें और उसको शादी का रूप दिया जा सके, वो एक कोई प्रदर्शन की चीज़ नहीं है, आत्मीयता की चीज़ है, तो उसको उसी रूप में लेना चाहिए। और मैं नई पीढ़ी के नवयुवकों से नवयुवतियों से कहना चाहूँगा कि
कि अगर उनके उनके वो इस विषय में पहल करें कि मेरी शादी उस दिन हो जिस दिन मेरे रिश्तेदारी में जान पहचान में ना हो, तो कितनी एक खुशी की बात होगी और वो औपचारिकता से होके एक पारिवारिक बहुत बड़ा उत्सव बनेगा। आपके इन्हीं सवाल जवाबों से एक सवाल और मुझे मेरी जिज्ञासा बनी है कि विवाह किस समय संपन्न माना जाता है, विवाह साथ फेरे लेने के वक्त या उससे पहले कभी? देखो, इसमें आपको का ये भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि शादी के हमारे यहाँ बहुत तरीके सुझाए गए हैं, मतलब और उसमें मान्यता भी थी, लेकिन एक्चुअली आज के तौर परीक्षा में पहले भी जिस दिन लड़का लड़की को परिवार परिवार को एक्सेप्ट कर लेता है तो सही मायने में शादी तो उसी दिन संपन्न हो गई। इसके बाद जो हम करते हैं वो तो शादी का उत्सव मनाते हैं, उसको सामाजिकता का आवरण देते हैं, सबके सामने हम बताते हैं कि हमने एक उस भाई हमारे यहाँ ये बंधन हो गया। तो पहले दिन ही जिस दिन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस दिन वो रिंग डाल देते हैं, समझो वो शादी तो उस दिन हो चुकी, दो आत्माओं की शादी हो चुकी। इसको आप इस तरह भी ले सकते हो कि जैसे बच्चा पैदा तो आज हो गया जी, तो जी, पैदा वो जन्मदिन तो उसका वही हो गया ना, उसके बाद जन्मोत्सव आप जितने दिन बाद मनाओ, तो जन्मोत्सव को इसी तरह से शादी उसी दिन हो जाती है जब दो परिवारों का मिलन हो के उसको एक दूसरे को हम अंगूठी पहना देते हैं, वो क्षण ही होता है। क्या बात है, और ये उत्सव है, इसमें आप छोटा उत्सव करो बड़ा करो ना करो, एक संकल्प ले लो दोनों तब भी ये शादी है। तो शादी उसी टाइम पूर्ण हो जाती है जिस टाइम कि हम उसको एक्सेप्ट एक दिल से अपने को मान लेते हैं। शर्मा जी, एक और सवाल जिज्ञासा के रूप में आ रहा है आपके मेरे मन के अंदर, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि विवाह उत्सव को भी लोग आज के परिवेश में प्रतिष्ठा से जोड़ने लगे हैं। हाँ, ये एक बहुत ही बड़ी एक सामाजिक समस्या भी आप समझते जाइए। मैं देखता हूँ जब मैं छोटा था या शुरू में जाते थे, तीन दिन की बारात होती थी उसमें जाते थे, पहले दिन मिलते थे रिश्तेदार, रिश्तेदारों से मिलते थे शादी के लिए, वहाँ जाते थे एक अगले दिन मतलब परिवार से, विदाई में भी समधी समधी से मिलता था, मामा मामा से मिलते थे, तो एक बहुत बढ़िया परंपरा हो गई थी जी। लेकिन ये तो आज के दिन में संभव नहीं है कि तीन दिन की शादी हो, दो दिन की शादी हो, लेकिन उस शादी में जो आत्मीयता खत्म होती जा रही है, मैं देख रहा हूँ कि मुझे आज तीन शादियाँ अटेंड करनी है तो मेरा काम क्या होगा, मैं जाऊँगा एक फ़ोटो खिंचवाऊँगा बड़े खुश होते हुए, और उसका जो एक आडंबर है उसको देख के कितना व्यक्ति खुश होता है नहीं होता एक अलग बात है। तो वो जो आत्मीयता से दूर होता जा रहा है, और इसमें बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि संबंधों को संबंधों की तरह ही रखा जाए। जी जी जी, इसमें जो है ये इससे जो है वो भी एक बड़ा फ़र्क पड़ेगा, जो खर्चे वाली बात हम कर रहे थे कि ब्याह शादियों में ये है कि मेरे आजकल तो मैंने देखा कि अगर किसी का रिश्ता करने गए तो वो कई जगह जहाँ मोल तोल की बात भी होती है तो वो कहता है मेरे तो चाचा का लड़का तो इतने लाख में रुक गया है, मेरी प्रतिष्ठा इसमें, इससे कुछ ऊपर अगर आप पैसा करेंगे तो मेरी प्रतिष्ठा है जी। या उन्होंने तो शादी करी थी कहीं गुड़गांव के बहुत बढ़िया माल में या बहुत बढ़िया फाइव स्टार होटल में, तो उस तरह की स्थिति है कि इससे बड़ी मेरी शादी होनी चाहिए। तो इन सब में जो है वो आपसी संबंध और आत्मीयता दबके रह जाती है, और हो सकता है लड़की का पिता किसी जगह कर्ज लेके किसी तरह की स्थितियों में शादी करते हैं तो उनकी सफलता की भी बातें कम रह जाती हैं, उसमें सफलता की प्रतिशत भी शायद ना हो, क्योंकि उसमें लगता है कि मैंने तो इतना करा, मैंने तो वहाँ करा था। तो ये शादियों को वापस हमें आत्मीयता पवित्र बंधन की तरफ आना पड़ेगा, और आडंबर से तो बिल्कुल दूर होना चाहिए। आडंबर के लिए तो हमारे पास जीवन में बहुत अवसर हैं, हम कभी भी ऐसा कुछ कर सकते हैं अपना अगर मेरे पे, लेकिन जो एक संपन्न वर्ग है उसने एक साधारण वर्ग मध्यम वर्ग के लिए जरूर समस्या बना दी है। संपन्न वर्ग का पैसा वो कुछ भी खर्च करते और अच्छा खर्च करता है तो वो बढ़ता ही है पैसा, चाहे वो कैटरर पर जाए या जिस पर जाए, लेकिन जब उसकी उसकी प्रति उसके वो देखते हुए जब बीच का मध्यम वर्ग का व्यक्ति खर्च करता है तो सत्या मानो उसके जीवन की गाढ़ी कमाई उन चीज़ों पर खर्च होती है जिनका कोई अर्थ जो है शादी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ नहीं है। शर्मा जी, एक इस कार्यक्रम का इस एपिसोड का आखिरी सवाल आपके साथ में, नव दंपत्ति को ऐसे कुछ सुझाव बताएं ताकि उनका जो विवाह जीवन है वो सफल हो। देखिए, ये एज अ शाश्वत प्रश्न है और ये शुरू से आज तक चलता आया जी। नव दंपत्ति जो है, पहली बात तो जिस दिन से उन्होंने एक दूसरे को एक परिपक्व अवस्था में एक्सेप्ट किया है जी। तो जिस टाइम वो एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तो ये आत्मीय बंधन उनका होना चाहिए, उसके अंदर कोई इफ एंड बट्स नहीं लगने चाहिए,
कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उनके अंदर सबसे पहला है कि मैं जीवन पर्यंत में, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, और हम दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं हैं, हमें एक दूसरे को दिखावा नहीं करना। तो आज की कई बार ऐसी स्थितियां भी देखने में आई हैं कि पति भी स्वाभिल सर्विस कर रहा है या अपना बिजनेस कर रहा है, और पत्नियां और उनकी पत्नी भी ऐसा कर रही हैं, तो वो एक दूसरे के पूरक हैं, वो एक दूसरे की किसी भी हालत में प्रतिद्वंदी नहीं है। जी, जी। तो आत्मीयता का संबंध है ये संबंध, इसीलिए हमारे यहाँ 7 जन्मों का संबंध कहा गया कि इस संबंध में जिस तरह दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, उसके बाद उनका सोशल स्टेटस, उनका पर्सनल लाइफ, उनकी सामाजिक जीवन शैली, ये सारी एक दूसरे से बिल्कुल मिली जुली होनी चाहिए। और उसके बाद एक दूसरी चीज़ भी है कि ये जो अभिभावकों से भी मेरा निवेदन, मैं बहुत जगह देखा है कि ख़ास तौर से जो कई माएँ ऐसी हैं, कई के पिता ऐसे हैं कि शादी के बाद वो उनके पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़्यादा व्यवधान या दखल अंदाजी करते हैं, जो बिल्कुल ही संभव नहीं है। उनके दो आपस में उनको अपनी समस्या सुलझाने दो जी, ये नहीं है कि मैंने इतने की शादी करी थी तो मेरे लड़कियों को ऐसे क्यों रख रहे हो, ये सामान उसे क्यों दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ अभिभावकों का उनको स्वतंत्र रहने की सुविधा देनी चाहिए। नव दंपत्ति खुशी से रहे, माँ बाप उनके सिर्फ मार्गदर्शक हैं और एक सामाजिक अभिभावक हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो आज के माँ बाप हैं वो कल के नव दंपत्ति थे, तो उन्हें समझना चाहिए कि जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे माँ बाप या सास ससुर की पसंद ना हो। तो आज की देश में माँ बाप और अभिभावक को चाहिए कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी डे टू डे खासतौर से दिन प्रतिदिन वाली बातों में दखलंदाजी ना करें, और उन्हें समझाने की कोशिश करें कि ये जीवन तुम्हें पूरे जीवन भर निभाना है, तो उसमें उनका जो है एक जीवन सफल होगा, ये पक्का है। इसमें कोई बात नहीं है कि वो आपस में प्रेम ही सबसे बड़ी चीज़ है, और पति पत्नी को भी आपस में एक दूसरे की व्यक्तिगत लाइफ में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। विश्वास का संबंध है, बहुत बढ़िया। और इसमें कहीं भी ऐसा नहीं आता कि भाई कौन क्या, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हम जितना किसी के में अंदर जाएंगे उतनी फिर प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। तो खुश रहो, खुशी से जियो, विश्वास करो और आत्मीयता का संबंध रखो। यही हमें उनका संदेश देना है कि आप ये समझो कि जीवन के अंतिम क्षण तक पति ने पत्नी का और पत्नी ने पति का साथ देना है। बहुत बहुत बढ़िया। तो यही हमें आशीर्वाद भी है सबको, और शर्तिया है कि ये मेरी अपील सभी जो नवयुवक हैं, नवयुक्तियाँ हैं, जिनकी शादी होने वाली हैं, उनसे है कि वो अपनी शादी को एक पारिवारिक उत्सव बनावें, उसको प्रदर्शन की चीज़ ना बनावें। लड़कियाँ विशेष तौर से देखें कि उनके माता पिता कहीं कर्ज लेकर शादी तो नहीं कर रहे, कहीं उन पर कोई मानसिक दबाव तो नहीं है, या कहीं वो समझौता तो नहीं कर रहे। अगर समझौता कर रहे हैं तो आप उसका विरोध करो कि नहीं, शादी शादी है। तो आप सत्या रखो, ईश्वर आपका साथ देगा, आपका जीवन सफल मंगलमय होगा, यही हमारी शुभकामना है। और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि मुझे आपने ऐसे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। और अगर किसी के, जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा ब्राह्मण या पंडित या कोई भी ऐसा नहीं होता या जो शादी कराने वाला जो गारंटी दे सके, तो अगर किसी को ये बात अच्छी ना लगी हो तो मैं तो वैसे ही क्षमा मांग रहा हूँ कि मेरा तो अनुभव यही है कि हम अपनी किस्मत लिखवा के अपने साथ लाए हैं, उसी से जीवन बढ़िया होता है। और कोशिश करो कि शादी सुविधाजनक हो, ये शादी कभी भी साय से बचने की कोशिश करो, एक नया नारा दो कि साय के साय से बचो, तभी आपको और समाज को इसका बहुत बड़ा अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया राजेश्वर जी, आपने बहुत अच्छे विचार दिए। दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है और आपके कोई सुझाव हैं तो हमारे ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने विचार हमारे तक साझा जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें।